डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा इंट्रैक्टिव फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल जैसा कि मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, चार्ज डिस्कस किया था, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। कल हमने चार्ज पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर थोड़ा सा इसमें और हम मॉडिफाई करें तो हम कह सकते हैं, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं मेरे सामने और दो नेगेटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने दिखाया है इस डायग्राम नंबर ए में, कि ये एक चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये कैसे चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए। यदि दोनों चार्जों पे पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज है, दैट मीन यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं तो दोनों लाइक चार्ज कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि सेम चार्ज है, ये भी माइनस, दैट विल बी नोन एज लाइक चार्ज। हमेशा याद रखना, लाइक चार्ज सेम चार्ज हमेशा और हमेशा रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव की या नेगेटिव पॉजिटिव की, ये कैसे चार्ज हो गए, डिफरेंट चार्ज हो गए, अनलाइक चार्ज हो गए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसका मतलब क्या, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए एक चार्ज आपके सामने माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो हमने पढ़ा था लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में। यदि मैं बात करूं मैटर की, इस मैटर में आपके सामने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो मैटर क्या है बेटा, मैटर वो फिजिकल थिंग है, सब्सटेंस है, जो कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी स्पेस को, यानी कि वो छोटा सा, ये भी एक मैटर बन गया, एक छोटा सा ये मार्कर है, ये भी आपके सामने एक मैटर है, यानी मैटर जगह घेरेगा। तो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो मैं बात करूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और माइनस यानी नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इससे हमें ये शो हो रहा है कि एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कितना कम चार्ज होगा। इसी तरीके से मैं बात करूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम है, प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, लेकिन अंतर किसका है, पॉजिटिव का। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम जो यूनिट है वो मच बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है। तो कभी कभी बच्चों से ये पूछ लिया जाता है कि विच इज बिगर, 1 कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 कूलम हमेशा बड़ी होती है किससे, आपके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। टिश्यू पेपर ले लो, 2। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की वह क्वांटिटी होती है यदि दो समान चार्ज हो। तो मान लीजिए एक चार्ज हमारे सामने प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और इन दोनों चार्जों को आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन दोनों चार्जों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब ये कितना फोर्स फील करेंगे, तब इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो
यानी कि ये 9×10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स को एग्जर्ट करेगी, यानी कि कैसा फोर्स लगेगा ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा भाई। आप एक कूलम के चार्ज को यहाँ लेके आ गए, एक कूलम के चार्ज को आप यहाँ लेके आ गए और दोनों को एक मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, ऐसा यूनिट मीटर ले ली मैंने, तो दोनों पे फोर्स लगेगा। अब अभी मैंने बताया था सेम चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए, तो दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, यानी कि इसकी वजह से ये चार्ज इधर जाएगा, इधर भागेगा, इस वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो सेम चार्ज ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और कितना फोर्स लगेगा वो 9×10⁻⁹ न्यूटन। एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि अगर मेरे सामने पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, तो चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जनरेट होंगी, यानी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, ठीक है। अब ये वाला प्लस क्यू चार्ज मेरे सामने रखा हुआ था, अब इस क्यू चार्ज को मैंने 1 मीटर पे कैप किया हुआ था, अब भैया इसकी भी तो लाइन आउटवर्ड होगी, इस वाली की मैं ब्लू से बनाता हूँ, सॉरी ब्लू वाला है मेरे, मान लीजिए आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ है, इस वाले क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आप बाहर की तरफ है। जब ये दोनों आपस में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, यानी ये इधर की तरफ भागने की टेंडेंसी होगी, इस वाले चार्ज की टेंडेंसी किधर होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भागने की होगी। तो इसका मतलब इस पर कितना चार्ज लगेगा, 9×10⁹ न्यूटन, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज, और इस वाले पे कितना फोर्स लगेगा, 9×10⁹ न्यूटन, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब हम लोग क्लासिफाई करें कंडक्टर को, रोडवेज का नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मान लीजिए कोई स्टील का वायर है, कोई आयरन का वायर है, कोई कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए ये वायर है, ये कॉपर का वायर है, आपके सामने मैंने वायर बनाया, अब ये कॉपर का वायर है, इसके अंदर छोटे छोटे वायर होंगे जिसे हम लोग गेज बोल देते हैं, दिस इज गेज, कॉपर की गेज है, और ऊपर आपने देखा होगा घरों में जो वायरिंग जाती है ऊपर इंसुलेशन रहता है, मान लो पीवीसी की इंसुलेशन है या कोई भी मटेरियल है जिसको इंसुलेशन है, अब समझिएगा ध्यान से, कॉपर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयरन में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में बहुत आसानी से पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर के अगर रॉड है उसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, आवारा की तरह घूमते रहते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, करंट के लिए, करंट फ्लो करने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने आपके मेटल के अलॉय हैं वो सब के सब कंडक्टर की सीरीज में रखे जाते हैं, जैसे मेटल की बात किया मैंने, मान लो कॉपर की बात करी, और अगर मैं मेटल अलॉय की बात करूँ, मैंगनीन हो गया, पोस्टरीन हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, मेटल के अलॉय हो गए, ये सब क्या है आपके, कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ, इंसुलेटर हम किसे बोलेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये हमारे सामने बोर्ड है, ड्राई बोर्ड है, या पोर्सिलेन है, कुछ भी है, माइका है, इन सब में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो क्या होते हैं, इसकी न्यूक्लियाई से टाइटली बाउंड होते हैं,
जब ये टाइटली बाउंड होंगे तो अभी एक चीज बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री आवारा होते घूम रहे थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ड्राई वुड की, सूखी लकड़ी की या पोर्कलेन की, वुड की, प्लास्टिक की, इन सब में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपनी न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, कसके बंधे हुए हैं अपनी न्यूक्लियस पे, सेंटर पे, बिल्कुल बीचों बीच में कसके बंधे हुए हैं। जब वो कसके बंधे हुए हैं तो वो कहीं नहीं हिल पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। जब कहीं नहीं जा पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो करेंगे, कुछ भी फ्लो नहीं करेंगे। ये तो बेसिक था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हेडिंग लगा लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप लोग हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे। हमारी सामने दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहली है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक कंडीशन में, दैट मीन कल मैंने स्टडी किया था फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रही है दैट विल बी नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने कॉम रब किया था पिटनी पीसेज ऑफ पेपर पे, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप आसमान पे जो लाइटनिंग देखते हैं, जब बरसात के मौसम में जो लाइट चमकती है, शाइन करती है, दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, जो टर्बाइन मूव कर रही है, जो ट्रेन चल रही है, एनीथिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, पावर प्लांट सेक्टर, उस सब में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि थ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यानी कि वो किस में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा कल खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे। मैं कुछ आपको सीबीएसई एनसीईआरटी में आए हुए कुछ रिमाइंडर कराता हूँ। एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और सीबीएसई में भी आता रहता है, ट्वेल्थ में भी आता है ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना है हमें। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो डेटा क्या है आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने, चार्ज कितना दिया है, क्यू कैपिटल लीजिए या स्मॉल लीजिए डजंट मैटर, क्यू इज इक्वल टू वन कूलम। ओके, अब आपको पूछ रहा है अगर एक कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यार सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो हमें पूछा है 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, सिंपल क्वेश्चन है जो आप क्लास 5th और 6th में यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं। तो 1 कूलम को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, वन कूलम को निकालने के लिए ये हो गया 1.6 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। आप इस पॉइंट को भी हटा दीजिएगा, यानी कि आपके सामने हो गया 10 टू दी पावर 20 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करना है, यानी अगर आप यहां सॉल्व करेंगे ये बचा 100 इनटू 10 टू पावर 18 अपॉन 16, अब डिवाइड कर लीजिएगा, दैट मींस 6.25 लगभग आएगा इनटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि ये कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये प्रूफ भी होगा कि एक कूलम यूनिट बड़ी होगी किससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे।
एक कूलम को तो इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बताइए। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कल का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।